बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यस, मैं हूँ डॉक्टर गीना शहजादी, बच्चों की चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मैदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, गुड हेल्थ में होंगे। पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक, तमाम मुसलमानों को, और अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ान को सही मायनों में जो है इसकी बरकतों से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। तो थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में आपके बहुत से क्वेरीज़ होती हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उन क्वेरीज़ को हम एड्रेस भी करें, और कुछ प्रॉब्लम जो पेशेंट के हैं उनको आप घर बैठे बच्चों के जो कॉमन इश्यूज हैं आप उनको रिजॉल्व कर सकें। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके लिए बच्चे को फिज़िकली एग्जामिन करना ज़रूरी होता है, तो उसमें फिर थोड़ी सी हमारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो इसका मकसद यही है कि आपको जो भी बच्चों के माइनर इश्यूज हैं वो आप घर में रिजॉल्व कर सकें, और मेजर इश्यूज़ के लिए तो ऑब्वियसली फिर आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि रमज़ान है, और रमज़ान में एक तो रूटीन जो है वो आपकी चेंज होती है, लाइफस्टाइल चेंज होता है, तो उसमें ख़ास तौर पे बैलेंस डाइट का और खाने पीने का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले आप 3 टाइम खाना खा रहे होते हैं और बीच में स्नैक्स भी चल रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान में ज़ाहिर है एक रूटीन है कि सुबह सहरी है और फिर 12-14 घंटे का जो है वो रोज़ा है, उसके बाद अफ्तारी, तो उसमें खाने पीने का स्केजुअल चेंज होता है उसकी, लेकिन आपकी जो काम है वो तो साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो डाइट है आपकी उसमें चेंज आता है, लेकिन उसको आपने बैलेंस डाइट को लेके चलना है। और क्योंकि इस दौरान बच्चों में और बड़ों में मुख्तलिफ तरह के मैदे के जो है वो मसाइल हो सकते हैं, जैसे कि अगर सहरी में आप फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा मीट लेते हैं, तो उसकी वजह से मैदे में तजाबियत के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर आप काफ़ी देर भूखा रहते हैं, उसके बाद एकदम से जब अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें या शुगर या जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या बेवरेजेस हैं उनका आप एक्सेसिव यूज़ करते हैं, सोडा बोतल जो है उनकी वजह से फिर एकदम शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, और डायरेक्ट जो है वो किडनीज पे उसका इफ़ेक्ट आता है। तो सेकेंडरीली फिर जो एक्सेसिव यूज़ है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का, उसकी वजह से मोटापे के मसाइल और लेटर ऑन शुगर के मसाइल, और मोटापे की वजह से फिर ब्लड प्रेशर के मसाइल और दिल के मसाइल में अल्टीमेटली इजाफा होता है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि रमज़ान में आप अपनी डाइट जो है उसको बेहतर से बेहतर रखें, सहरी में भी अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें जिसमें आपकी होल वीट होनी ज़रूरी है, सालन है तो उसमें आप कम नमक मिर्च का इस्तेमाल करें, ऑयल कम इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल सहरी में ज़रूर करें, खजूर जो है वो बहुत अच्छी है वो लें, केला जो है वो बहुत अच्छा है, उससे प्यास कम लगती है, और जो दही है उसकी वजह से मैदे की जो तजाबियत है वो कम होती है। और दूसरा, अफ्तारी में आप एक तो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या जो भी सोडा बोतल वगैरह है, या बना के मिल्क जो मिल्क शेक्स वगैरह बना के उसमें बोतलें ऐड करके वो इस्तेमाल की जाती है, उनसे अवॉइड करें। आप वैसे फ्रेश दूध जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर भलाई के, और इसके अलावा जो बेज़ल सीड्स हैं जो जिसको हम आम ज़बान में तुख मलंगा बोलते हैं, वो काफ़ी ठंडे होते हैं और वो मैदे के लिए बहुत अच्छे हैं और आपके ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करते हैं, और उसमें आप चीनी का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। इसके अलावा अपनी इफ्तारी को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही आपके लिए और आपकी सेहत के लिए बेहतर है, उसमें कम से कम जो है ऑयल और जो तली हुई अशिया हैं जैसे कि पकोड़े और समोसे जो हैं बहुत
कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस अफ्तारी के से आधा घंटा पहले अगर आप बाज़ार में चक्कर लगाएं तो इन दुकानों पे काफ़ी रश होता है और लोग जो है इन चीज़ों को ज़्यादा लाइक करते हैं कि बाज़ार से बना बनाया आप अफ्तारी में खाना पसंद करते हैं। और ये चीज़ आपको नहीं पता जो ऑयल बाहर इस्तेमाल हो रहा है वो कितनी दफ़ा उसको रीहीट किया जाता है, उसी में बार बार पकौड़े तल रहे हैं, समोसे तल रहे हैं, चिप्स फ्राई हो रही हैं, फ्राइड चिकन है। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली जब ऑयल को बार बार हीट किया जाता है तो वो ट्रांस फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कह लें कि बैड कोलेस्ट्रोल है, वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस तरह की चीज़ें आप थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर में अगर इस्तेमाल बनाएं खुद तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें हाइजेनिक कंडीशंस जो हैं उसका ख्याल रखा जा सकता है, लेकिन बाहर की चीज़ों में आप उस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा सिंपल रोटी और सालन के साथ अब अफ्तार करें। फ्रूट चाट जो है वो इस बना सकते हैं घर में, जितने भी मौसमी फल हैं आप उनकी सिंपल फ्रूट चाट बना के बगैर शुगर वगैरह के वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में आप दही जो है वो इस्तेमाल करें, दही बड़े बना सकते हैं, वो भी घर में, बाज़ार की चीज़ों से अवॉइड करें। और जितना अपनी सहरी और अफ्तारी को आप सिंपल रखेंगे उतना आप भी सेहतमंद रहेंगे और आपका मैदा भी ठीक रहेगा। और इसमें जो छोटी मोटी एक्टिविटी है यानी एक्सरसाइज, ये आपके लिए वेट लॉस करने का एक बहुत अच्छा जो है मौका है। इसमें आप अफ्तारी से पहले जब पेट खाली होता है तो उस वक़्त अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या हल्की फुल्की वॉक कर लें, आधा घंटा सैर कर लें, तो ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी, मोटापे को कम करेगी, आप उतने ही एक्टिव और उतनी आपकी स्ट्रेंथनिंग जो है वो ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों को आप लेके चलें ताकि इन फ्यूचर आप सेहतमंद और भरपूर ज़िंदगी गुजारें। और इंशाल्लाह ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपनी अपलोड करती रहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर निगीना इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।